हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, आप लोग सभी को पता है रोज़ सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास होती है साइंस की, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट MCQs कर रहे हैं Phase 1 और Phase 2 के बेसिस पे, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो ये क्लास नंबर 4 है आप लोगों की, और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि डेली दोपहर 1 बजे ये आप लोगों की फ्री स्पेशल क्लास होती है। आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। आपको पता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं NTPC में कंप्यूटर के भी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, सभी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं डेली 1 PM पे। तो इसको आप लोग मिस ना करें। यहाँ पर आप लोग को दोस्तों रैंक भी मिलती है, आप लोग अपनी रैंक भी बूस्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 से 6 हज़ार बच्चे अगर टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको पता पड़ेगा आपकी रैंक क्या आ रही है, 3200 आ रही है, 3500 आ रही है ना। तो बहुत अच्छी है आपकी क्लास होती है। तो इसके लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पर दोस्तों जब इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पर आप मेरा नाम सर्च करें, नीरज जंगड़, मुझे फॉलो कर ले, स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मिल जाएगा। गोल सेलेक्ट कर ले SSC एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में एक क्लासेज मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे, आप लोग अगर नए यूजर हो तो आपसे कोड पूछा जाता है, तो कोड डाल दो नीरज11 और अनलॉक कर दो, आ जाएगा यू ऑसम यू हैव, है ना। और दोस्तों, जो भी आप लोग के ग्रुप डी वाले बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर केवल और केवल 2 महीने बाकी है, 25 नंबर की साइंस आएगी, तो दोस्तों कल सुबह 9:30 बजे यानी दोस्तों शनिवार, कल यानी दोस्तों शनिवार सुबह 9:30 बजे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार प्लान लेकर आने वाला हूं, जिससे आप लोगों की जो भी डर था, जो भी दिक्कत थी, सारी की सारी आप लोगों की दूर हो जाएगी कल सुबह 9:30 बजे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों लाइव टेस्ट नंबर 4 हम लोग जो कर रहे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं Shift 1 और Shift 2 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस करवाता था शाम को 7 बजे, लेकिन अब आप लोगों को दोस्तों रात्रि 10 बजे मतलब 10 PM पर आप लोगों को एनालिसिस मिलेगा। और दोस्तों यहां पर दोनों का मिल जाएगा आप लोगों को, GK+GS, मतलब एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को सब करवा दूंगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब आप लोग के एक ही वीडियो में हो जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है, चलेंगे। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा था पानी में ध्वनि सुनने के लिए उपकरण। आप लोगों को सभी को पता है कि अगर आप लोग पानी में जाओगे तो साउंड इतने प्रॉपरली नहीं आ पाती, आती नहीं ऑलमोस्ट, है ना। तो आप लोगों को अगर पानी में साउंड सुनना है तो उसके लिए जो उपकरण होता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा हाइड्रोफोन, ठीक है, हाइड्रोफोन। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोफोन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर तो क्या करता है, ये तो रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है, यानी आपेक्षिक घनत्व मापता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, कल भी मैंने एनालिसिस करवा दिया था GK और GS का, आप लोग वीडियो जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या होता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो कि कहां पर पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। और ध्यान रखेंगे हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो इसमें जो मेटल पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है आयरन, है ना। अब बात करते हैं जो आयरन होता है वो आपका 2 फॉर्म में पाया जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है वो 2 टाइप में पाया जाता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो 2 फॉर्म में। एक तो आप लोग का Fe2+, यानी दोस्तों एक तो फेरस फॉर्म में, और एक Fe3+, एक फेरिक फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अधिकांशतः जो मैक्सिमम पार्ट है दोस्तों, वो इसी फॉर्म में पाया जाता है, याद आप लोग रखेंगे। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे। विलियम हार्वे ने दोस्तों किसकी डिस्कवरी करी, ये आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो इन्होंने जो डिस्कवरी करी दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम की करी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की करी, कि किस प्रकार आप लोगों की बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है। आप लोग जानते हैं जो ब्लड होता है दोस्तों लंग्स से, लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करके हार्ट में भेजता है, हार्ट से दोस्तों डिफरेंट ऑर्गन में जाता है, वहाँ से फिर वापस कहाँ पर आता है, हार्ट में आता है, हार्ट से दोस्तों लंग्स में जाता है, फिर वापस प्योरीफाई होकर हार्ट में आता है, समझ रहे हो बात। चलिए, तो इन्होंने दोस्तों जो डिस्कवरी करी थी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की करी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पिता ए रुधिर वर्ग, यानी फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और माता का, मदर का बी है, तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है ये आप लोगों को बताना है। चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर आप लोग बताएंगे। तो कैसे आप लोग इनका ब्लड ग्रुप निकालते हैं चाइल्ड का, आइए देखते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं फादर यानी पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ए दिया हुआ है। और बात करें दोस्तों मदर की, तो मदर का जो ब्लड ग्रुप आपको दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है। अब आप लोगों को इसको क्रॉस करवाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे क्रॉस करवाने का एक नियम है, मतलब यहां पर कभी भी आप लोगों का सिंगल लेटर नहीं होगा, यहां पर भी कभी भी सिंगल लेटर नहीं होगा। अगर ये फादर का ब्लड ग्रुप ए नहीं होके ए बी होता तो हमारी प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व हो जाती, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपको डबल लेटर देखने को मिल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पर अगर कोई सिंगल लेटर हो, जैसे ए हो, या ब्लड ग्रुप बी दिया हो, या ब्लड ग्रुप ओ दिया हो, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे, जब भी आप लोगों का सिंगल लेटर होगा आप लोगों को उसको डबल बनाना ही पड़ेगा, और उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो, ओ यूज करते हो। इधर ओ लगा दो, इधर भी आप लोग ओ लगा दो। चलो क्रॉस चेक करा दो, है ना, क्रॉस करवा दो। अब तो पहले इस ए को क्रॉस करवाओ बी से, तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ए बी मिलेगा। फिर ए को क्या करवाओ, इस ओ से क्रॉस करवाओ, तो फिर आपको मिलेगा ए ओ। फिर आप लोग इस ओ को इससे करवाओ तो क्या मिलेगा आपको, ओ बी बोल लो या बी ओ बोल लो। फिर आप लोग इस ओ को इस ओ से क्रॉस करवाओगे तो क्या मिलेगा, ओ ओ मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। ए ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए। बी ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी। और ओ ओ का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ओ। तो कौन से ब्लड ग्रुप आपको मिल रहा है, तो दोस्तों जो चाइल्ड होगा उसमें ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, सभी ब्लड ग्रुप के दोस्तों 25-25% चांस है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, ग्रुप डी एग्जाम का क्या होगा दोस्तों, कल सुबह 9:30 बजे मैं आप लोग के लिए धमाका लेकर आने वाला हूं, ग्रुप डी के लिए टेंशन ना ले, है ना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अच्छा चलिए देखते हैं कितने जने बता पाते हैं, और एक मैं बता दूं आप लोगों को। चलिए आप लोग मुझे बताइए, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और मदर का भी ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो अब जो चाइल्ड होंगे उनके ब्लड ग्रुप की क्या पॉसिबिलिटी होगी, उनके कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी, ये आप लोगों को बताना है। बताएंगे जल्दी से बताएंगे, देखते हैं कितने जनों को समझ में आया। तो आपको वो ही करना है कि यहां पर सिंगल लेटर है, आप लोगों को क्या बनाना है दोस्तों, डबल बनाना है। तो लो मैंने आप लोगों का डबल बना दिया, और जब भी आप लोगों को सिंगल से डबल बनाना होगा हमेशा आप लोग किसका यूज करेंगे, ओ का यूज करेंगे। तो भैया क्रॉस चेक करवाओ, ए आप लोगों का मिलेगा ए से, देन दोस्तों ए आप लोगों का मिलेगा ओ से, समझ गए बात को, ठीक है। फिर ये ओ आप लोगों का मिलेगा ए से, फिर ये आप लोगों का ओ मिलेगा दोस्तों ओ से। तो ए ए का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, इसका भी मतलब ब्लड ग्रुप ए, इसका भी मतलब ब्लड ग्रुप ए, और ओ ओ का मतलब भी दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड मतलब ब्लड ग्रुप ओ। तो अगर बात करें ब्लड ग्रुप ए के दोस्तों चांसेस रहेंगे 75%, और ब्लड ग्रुप ओ के चांसेस रहेंगे दोस्तों 25%, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, चले आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, जो आरएच फैक्टर है जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों रीसस फैक्टर, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीसस फैक्टर, तो इसके खोजकर्ता कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप क्या होता है, जरा आप लोग सभी मुझे अपना ब्लड ग्रुप बताइए दोस्तों, किसी का ए पॉजिटिव होगा, किसी का बी पॉजिटिव होगा, तो जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है वो किस प्रकार से होता है दोस्तों, आपके जो ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, तो आरबीसी की सरफेस पर क्या होते हैं दोस्तों, कुछ प्रोटीन होता है, आरबीसी की सरफेस पे कुछ प्रोटीन होते हैं, और इन्हीं प्रोटीन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंटीजन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एंटीजन नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके ब्लड में आरबीसी की सरफेस पे मान लीजिए कुछ इस प्रकार के प्रोटीन पाए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार के, तो इसको हमने नाम दे दिया दोस्तों ये ए प्रकार के हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो गया। दोस्तों किसी भी मान लीजिए कुछ दूसरे प्रकार के हैं, कुछ इस प्रकार के हैं, तो क्या ये भी इसी प्रकार के है, क्या नहीं है किसी दूसरे प्रकार के, तो इसको हम लोगों ने ब्लड ग्रुप बी नाम दे दिया। तो ये दो ही प्रकार के दोस्तों क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों वीनर और लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने रीसस नामक बंदर में एक अलग ही प्रकार का एंटीजन खोजा गया, और इस एंटीजन को क्या नाम दिया गया दोस्तों, डी एंटीजन नाम दिया गया।
तो दोस्तों जो व्यक्ति जिनके ए प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, साथ में अगर डी प्रकार के भी पाए जाते हैं, तो उस ब्लड ग्रुप को हम लोग ए पॉजिटिव बोल देंगे। और कोई व्यक्ति जिसमें ए प्रकार के एंटीजन पाया जा रहा है, डी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, उसको हम लोग ए नेगेटिव बोल देंगे। तो दोस्तों ये जो आपका आरएच फैक्टर है, जिसकी फुल फॉर्म होती रिसेस फैक्टर, तो इसकी दोस्तों जो खोज करी थी वो किसने करी थी दोस्तों, लैंडशिनर और विनर नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है, लैंडशिनर और विनर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। अगर आप लोग हाइट पे जाते हो तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि क्यों होती है, आइए बात को समझते हैं। देखिए आप लोगों को पता है जो आपके आरबीसी है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये आप लोगों के क्या हो गए, लंग्स हो गए मान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों जो भी आप लोगों की एयर अंदर एंटर करती है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और दोस्तों आपके लंग्स में छोटे छोटे आपके बैलून टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, यानी वायु कुपिका है। और इन एल्वियोली को अगर मैं थोड़ा बड़ा करके बताऊं तो मान लीजिए कुछ ऐसी लगेगी। इसके नीचे दोस्तों क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो भी इस एल्वियोली से ऑक्सीजन होगी वो किसके अंदर आ जाएगी, दोस्तों ब्लड के अंदर आ जाएगी। और दोस्तों ब्लड का कौन सा पार्ट है जिसमें ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी, उसमें चिपक जाएगी, वो आपका हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन। और जैसे जैसे ब्लड आपका आगे चलेगा तो दोस्तों इसके साथ में ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी में आगे चलती है। लेकिन जब आप लोग ऊंचाई पर जाते हो तो वहां पर दोस्तों ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम हो जाता है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा तो आप एक चीज तो जानते ही हो, देखो आप लोगों को पावर की तो उतनी जरूरत है ना, जहां पर आप लोगों को नीचे जरूरत है, आपकी बॉडी को पावर की, एनर्जी की जरूरत तो है ही। तो दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं आपको जो पावर है, एनर्जी है, वो किससे मिलती है, मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूं क्या, आरबीसी इंटू ऑक्सीजन, ऐसा बोल सकता हूं क्या, आरबीसी इंटू ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ेगी, आरबीसी के साथ में जुड़ेगी। अरे हीमोग्लोबिन आरबीसी का ही तो पार्ट है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि आरबीसी इंटू ऑक्सीजन। अब दोस्तों आपको एनर्जी तो उतनी चाहिए, आप लोग ऊंचाई पर गए ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, लेकिन आप लोगों को ये संख्या तो उतनी चाहिए, तो दोस्तों आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आरबीसी की संख्या बढ़ने का कारण क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी होना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, आपके ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या है, या फिर उसमें सबसे अधिक क्या है, ये आप लोग बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करें आप लोगों के ब्लड की, तो दोस्तों ब्लड में आप लोगों के जो प्लाज्मा होता है वो कितना होता है, 55% होता है। अब ये जो प्लाज्मा है इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो दोस्तों इसका 90-92% क्या होता है, इसमें वाटर होता है। इसी की वजह से दोस्तों जो प्लाज्मा होता है उसकी स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट होती है, क्योंकि इसमें अधिकांश से क्या है दोस्तों, वाटर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूं पूरे ब्लड का कंपोजिशन। तो ब्लड में दोस्तों 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और बात करें दोस्तों 45% कॉर्पस्कल्स होते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा आप लोग का, आरबीसी आ जाएगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, प्लेटलेट्स आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, प्लेटलेट्स आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें इस 55% में क्या क्या है, तो इस 55% में आप लोग देखेंगे दोस्तों 90% वाटर है। प्रोटीन की बात करें 7% प्रोटीन है, 2.9% मिनरल्स है, एंड 0.1% ग्लूकोज है। और प्रोटीन भी कौन कौन से पाए जाते हैं आप लोगों के बता सकते हो आप लोग प्लाज्मा में, तो दोस्तों चार प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो हो जाएगा फाइब्रिनोजन, एक आपका हो जाएगा एल्ब्यूमिन, एक हो जाएगा ग्लोबुलिन, और एक आपका हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। चले आगे, चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये चारों जो आपके प्रोटीन है ये किस में फंक्शन करते हैं, इनका यूज क्या है दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग में ये आप लोग के चारों प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच एंटी
कोगुलेंट सब्सटेंस इज मिक्स्ड इन ब्लड, ब्लड में कौन सा एंटी स्कंदन एंटी कोगुलेंट आप लोगों का या एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस होता है। एंटी क्लॉटिंग क्या होता है दोस्तों, जो इंटरनली ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। अगर दोस्तों ब्लड की क्लॉटिंग इंटरनली हो जाएगी तो हमारी डेथ हो जाएगी, तो ये कौन सा होता है आप लोगों का। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए आप लोग ब्लड को स्टोर भी करते हो तो वहां पर दोस्तों क्या मिलाया जाता है, ब्लड बैंक में क्या यूज करा जाता है जिससे ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, तो ऐसा कौन सा यहां पर सब्सटेंस है जिसका यूज एज अ एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है, यानी जो ब्लड को जमने नहीं देता। तो क्या आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम ऑक्सलेट ऑप्शन नंबर बी, जिसका यूज होता है दोस्तों ब्लड बैंक में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, एंटीबॉडी जो होता है वो क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए आप लोग के बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स का मतलब क्या है दोस्तों, जो आप लोगों को बीमार कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो दोस्तों इन फॉरेन पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एंटीजन। इनको क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिजन। और इनसे लड़ने के लिए आपकी बॉडी एक विशेष प्रकार के प्रोटीन बनाती है जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी। तो ये एंटीबॉडी क्या होते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जो इंसेक्ट होते हैं उनका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या है, जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन उनका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या है, मतलब जो भी वो उत्सर्जन करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, अमोनिया के फॉर्म में करते हैं या यूरिया के फॉर्म में करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं। आपको पता है दोस्तों हर कोई जीव में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी नाइट्रोजन युक्त गंदगी प्रोड्यूस होती है, तो उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो कोई तो दोस्तों ये अमोनिया के फॉर्म में निकालता है, कोई यूरिया के फॉर्म में निकालता है। तो ह्यूमन की बात करें तो दोस्तों ये तो यूरिया के फॉर्म में निकालता है, लेकिन आप लोगों से जो पूछा गया है दोस्तों कीट के बारे में पूछा गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, मैं सभी के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो अगर बात करें जो भी आप लोगों का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ये आप लोगों का अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी में यूरिकोटेलिज्म होता है, इस यूरिकोटेलिज्म का मतलब क्या है, जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो रहा है। और ये जो एक्सक्रीशन होता है दोस्तों पक्षियों में होता है, बर्ड्स में होता है, जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी सरीसृप उनमें होता है, जैसे आप लोगों का दोस्तों कौन सा हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, आपकी छिपकली हो गई, इंसेक्ट जो होते हैं उनमें भी दोस्तों किस प्रकार का एक्सक्रीशन होता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहेंगे आप लोग बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों आपका जो किडनी होती है वो क्या करती है, ब्लड में जो भी आपका यूरिया है, देखो ये ब्लड में यूरिया कहां से आया दोस्तों, जो लीवर होता है ये निर्माण करता है किसका, यूरिया का निर्माण करता है, ये किसका निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है दोस्तों। ये फिर जो यूरिया होता है किसमें चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। जो किडनी होती है ये क्या करती है, ब्लड में से जो भी यूरिया होती है उसको क्या कर लेती है, फिल्टर कर लेती है, और दोस्तों यूरिन के माध्यम से वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। अगर किडनी खराब हुई तो यूरिया का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, और दोस्तों इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं यूरेमिया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बर्ड्स कौन से होते हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा है दोस्तों जो बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये जो भी अपना एक्सक्रीशन करते हैं वो यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं, यानी जो भी नाइट्रोजन युक्त गंदगी होती है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो ये क्या होगा आप लोगों का, ऐसे जीव जो यूरिक एसिड के फॉर्म में गंदगी बाहर निकालते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिक, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं ना, तो ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, फेशियल बोन की संख्या कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें दोस्तों पूरी खोपड़ी की, जैसे पूरे अगर स्कल की बात कर रहे हो तो आप लोगों के पूरे स्कल में खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, स्कल में दोस्तों 29 हड्डी होती है। कितनी होती है, 29 बोन्स होती है। चलो दोस्तों समझते हैं इन 29 में से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों ये जो फोरहेड वाला पार्ट है और ये जिसमें आपके हेयर आ रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल। तो दोस्तों आपके क्रेनियल बोन कितनी होती है, क्रेनियल जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कपाल, तो कपाल की हड्डियाँ होती है दोस्तों 8। इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों आपके फेस में, चेहरे में, तो फेस में जो हड्डी होती है वो होती है दोस्तों 14। चेहरे में जो हड्डी होती है वो होती है 14। और दोस्तों 3 आपके इस कान में होती है, 3 इस कान में होती है। तो ईयर्स में हड्डी कितनी होती है कान में, तो ईयर में कान में होती है दोस्तों 6 हड्डियाँ। दोस्तों इसके बाद में अगर हम लोग बात करें जो आपकी टंग होती है, इसके बेस पे भी क्या होती है, एक बोन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हायोड बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं हायोड बोन। तो टोटल हड्डियां कितनी हो गई, 14 और 6 20 और 8 28 और 1 29, है ना। तो टोटल फेस में बोन पूछा गया है, तो दोस्तों फेस में तो आपकी 14 होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग समझते हैं कौन कौन सी होती है, क्या आप लोग बता सकते हो, देखते हैं दोस्तों समझते हैं। इसकी ट्रिक आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे आप लोग यहां पर जो कलर्ड पार्ट देख पा रहे हो ये तो ऊपर वाला तो दोस्तों क्रेनियल बोन्स हो जाएगी, जो नीचे वाला पार्ट देख पा रहे हो कलर्ड पार्ट ये है आपकी फेशियल बोन्स। तो कौन कौन सी होती है दोस्तों, मैंडिबल, मैग्जिला, इन्फीरियर नेजल कॉन्का, लैक्रिमल नेजल, पैलेंटाइन, जैगमेटिक, वूमर। तो कैसे याद करें इसको, काफी डिफिकल्ट है, लेकिन पूछा जा सकता है कि दोस्तों इनमें से वूमर जो हड्डी है वो कहां पर पाई जाती है। तो दोस्तों इसकी छोटी सी एक ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आप लोगों के जो फादर है वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए थे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने, लेकिन एज यूजुअल गवर्नमेंट ऑफिस है तो वहाँ पर लंच चल रहा था, तो वहाँ पर से फिर आपके पापा घर पे आ गए वापस, तो वहाँ से आप लोगों के मामा आ रहे थे, तो आप लोग बोल रहे हो मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप, मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। तो दोस्तों ध्यान आप लोग रखेंगे क्या हो जाएगा, मामा इन्फॉर्मेशन लाना, पापा जाएंगे वरना। तो दोस्तों इससे एम ए से क्या हो जाएगा, मैंडिबल, मैग्जिला, इन्फीरियर, लैक्रिमल, लेजल, पैलेंटाइन, जेगमेटिक, वूमर। और दोस्तों बस एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या करना है, ऊपर और नीचे लगाना है एक, और सभी जगह दोस्तों क्या लगाना है, दो 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 लगाना है। इसका मतलब दोस्तों फॉर एग्जांपल पैलेंटाइन की हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये आपकी दो हड्डी होती है, वूमर की बात करें तो ये एक हड्डी होती है, मैग्जिला की बात करें तो ये दो हड्डी होती है। तो टोटल 14 हो गई क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, टोटल 14 हड्डी हो गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आप लोगों से पूछा गया द नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रेट कॉलम। दोस्तों आपका जो मेरुदंड होता है ना, जो यहाँ से निकलता है पूरा मेरुदंड जो होता है ना, तो उसमें आपकी हड्डियों की संख्या कितनी है आप लोग बताएंगे। तो बहुत जनों को पता होगा कि दोस्तों 26 हड्डियाँ होती है, लेकिन वो तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, अब क्या करें। तो आप लोग जानते हो दोस्तों जब जन्म होता है उस समय जो हड्डियाँ होती है 300 होती है, जब आप लोग की बॉडी की ग्रोथ होती है तो कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। समझ में आ गया क्या। तो दोस्तों जब हम लोग बात कर रहे हैं 300 हड्डी की, तो इसके दौरान आपके वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है, 33 हड्डियां होती है। जब बात कर रहे हैं 206 की, तो इस दौरान जब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम में जो हड्डियां गिनते हैं वो 26 गिनते हैं। क्यों, 33 से 26 कैसे हो गई दोस्तों, कुछ हड्डियां जुड़ जुड़ के सिंगल हड्डियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपके 26 नहीं है ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा, आप लोग का 33 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले 27 और 33 नहीं दोस्तों, 33 और 26 ना कि 27। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों जो ह्यूमरस बोन है उसकी पोजीशन बताओ, कहां पर पाई जाती है ह्यूमरस बोन। मामा मान नहीं रहा है सर चलो बताओ ह्यूमरस बोन कहां पर पाया जाता है, लोकेशन बताइए।
इन दी अपर लिम्ब, इन दी लोअर लिम्ब, इन दी बैक, नन ऑफ दीज। दोस्तों ये लिम्ब का मतलब क्या है? दोस्तों अगर हम लोग बात करें अपर लिम्ब की, इसको हम लोग हिंदी में पाद भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों ऊपरी पाद की, तो यह किसकी बात हो रही है? ये आप लोगों के हाथ की बात हो रही है। और अगर आप लोगों से बात करी जाए दोस्तों लोअर लिम्ब की, लोअर लिम्ब बोले तो दोस्तों निचला पाद, तो अगर ये बात हो रही है तो ये बात किसकी हो रही है? आप लोगों के पैर की बात हो रही है, ठीक है, समझ गए बात को। तो बताएंगे कहां पर पाई जाती है, तो ये आप लोग देखेंगे दोस्तों जो ये वाली बोन है ना, ये वाली बोन ये बोन कहलाती है आपकी ह्यूमरस बोन। तो आपकी बॉडी में टोटल ह्यूमरस कितनी हो गई दोस्तों? एक इधर हो गई, एक इधर हो गई। अगर कुल ह्यूमरस की संख्या पूछे तो दोस्तों दो हो जाएगी। और ये कहां पर पाई जाती है दोस्तों? अपर लिम्ब में पाई जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले आगे चलते हैं, तो मैं बताता हूं। देखो ये वाली जो बोन है आपकी, ये है ह्यूमरस बोन, ये पूरी की पूरी एक हड्डी है और एक हड्डी है। तो टोटल ह्यूमरस बोन की बात करें तो दोस्तों वो आपकी दो हो जाएगी और होती कहां पर है? अपर लिम्ब, या फिर आप लोग बोल सकते हो आपके हाथ में। चलिए दोस्तों पीडीएफ आपको चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हो, नीरज सर वाईफाई स्टडी ब्रैकेट में ग्रुप लिखा होगा, है ना, तो वहां से भी आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जस्ट क्लास के बाद में वहां पर आपकी डल जाती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों का अभी पूछा गया था एनटीपीसी में कि दोस्तों बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है? तो बोन को बोन से जो कनेक्ट करता है वो करता है आपका लीगामेंट। कौन करता है दोस्तों? लीगामेंट, जिसको हिंदी में हम लोग स्नायु भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस, तो पहले अगर हम लोग बात कर रही है ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है, तो दोस्तों अगर आप लोगों की बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपको ये डिजीज होती है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होती है, जो आप लोगों की हड्डी होती है उसमें क्या हो जाते हैं दोस्तों? ऐसे छोटे छोटे छेद से हो जाते हैं, मतलब ये काफ़ी आप लोग की वीक हो जाती है। इसमें क्या आ जाती है दोस्तों? भंगुरता आ जाती है, ब्रिटलनेस आ जाती है, और इसी डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और ये आप लोगों का किससे रिलेटेड हो जाएगा? हड्डी से रिलेटेड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सियल बोन नहीं है? इनमें से कौन सी, इनमें से कौन सी एक एक्सियल बोन नहीं है? तो देखिए आप लोगों की एक्सियल बोन कैसे पहचानेंगे? तो टोटल बोन कितनी है आपके पास में? 206 है। इसमें से जो आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में दोस्तों कितनी है? 80 है। और दोस्तों अपेंडिकुलर यानी उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी है? 126 है। अब देखो एक्सियल में यानी जो आपकी 80 हड्डियाँ हैं इनमें क्या क्या आ जाती है? तो दोस्तों बिल्कुल सीधा खड़ा रहे हो, आपकी एक्सिस के अलोंग जो भी हड्डियां होगी वो आपकी आएगी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में यानी अक्षीय कंकाल तंत्र में। यानी कुल हड्डियां कितनी होगी आपकी? 80 होगी। कौन कौन सी आएगी? तो दोस्तों अगर बात करें तो एक तो स्कल आ जाएगा, 29 हड्डियां जो होगी वो भी आपकी आ जाएगी। तो उस स्कल में क्या क्या आ जाएगा? एक तो आपका क्रेनियम आ जाएगा। तो दोस्तों क्रेनियम तो आपकी एक्सियल बोन है, बिल्कुल सही बात है, समझ गए बात को। फेशियल भी है। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा? दोस्तों यहां से आपका वर्टिबल कॉलम निकलता है, पीछे से मेरुदंड है ना, बिल्कुल ऐसे। तो मेरुदंड जो निकलता है बिल्कुल, वो भी आपके एक्सियल के अकॉर्डिंग, एक्सियल के अलोंग आता है, उसको आप लोग स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग का ये भी हो जाएगा एक्सियल, ये भी हो जाएगा। दोस्तों शोल्डर की अगर हम लोग बात करें, ये वाली हड्डियां जो आपकी होती है ना, कौन कौन सी होती है? इधर एक क्लेविकल होती है ना, अरे इधर जो हड्डी होती है उसको क्लेविकल बोलते हैं ना, तो क्लेविकल हड्डी हो गई, और एक इधर स्कैपुला होती है, तो ये आपके अपेंडिकुलर में आती है, ना कि आप लोगों के एक्सियल में आती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि रिब्स दोस्तों ये जो पसलियां यहां पर होती है 12 पेयर यानी 24 हड्डियां, ये भी आपकी एक्सियल में आती है, ध्यान आप लोग रखेंगे। चले आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो ये विडाल टेस्ट होता है, किसको डायग्नोस करने के लिए यूज करा जाता है, किसके लिए होता है? तो ये वाला जो टेस्ट होता है दोस्तों ये होता है टाइफॉइड के लिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चले आगे
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। ठीक है, बताएंगे, चार ऑप्शन दिए हैं, सिंपल सा है आंसर, आप लोग बताएंगे। तो देखिए थाइमिन की अगर बात करें तो ये तो आप लोग का विटामिन B1 हो जाएगा, राइबोफ्लेमिन की अगर बात करें यह विटामिन B2 हो जाएगा, फॉलिक एसिड की बात करें यह विटामिन B9 हो जाएगा, और एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों ये तो आपका विटामिन C हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं एनिमल बिलोंगिंग टू डैश ग्रुप, मतलब आप लोगों को दोस्तों यहां पर चार फाइलम बताए गए हैं, चार संघ बताए गए हैं कि उनमें से कौन से संघ के एनिमल है जो पशु जिनमें जुड़े हुए पैर होते हैं। तो आपका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्थ्रोपोडा। दोस्तों इसका ऑर्थ्रो का मतलब ही होता है दोस्तों जुड़े हुए, पोडा का मतलब होता है पैर। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कॉकरोच होता है तो कॉकरोच का भी उल्टा हो जाएगा, आप लोग देखोगे इसके दोस्तों जो पैर होते हैं वो ऐसे जुड़े हुए होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये कौन सा आप लोगों का फाइलम हो जाएगा, ऑर्थोपोडा, और ये दोस्तों सबसे बड़ा आप लोगों का फाइलम है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे, अभी क्वेश्चन आया था इसमें पूछा गया था NTPC में जो फिश होती है मछलियाँ उनका कितना चैम्बर हर्ट होता है, मतलब उनके जो हृदय होता है वो कितने चैम्बर होता है। लेकिन अभी आप लोग को सिर्फ ये बताना है दोस्तों जो उभयचर होते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स इनमें जो हर्ट होता है वो कितने चैम्बर होता है। तो चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो आपके वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको हम लोग पांच क्लास में क्लासिफाई करते हैं। एक तो हो जाएगा पाइसेस यानी दोस्तों मत्स्य मछली, एक हो जाएगा एम्फीबियंस उभयचर, एक हो जाएगा रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, एक हो जाएगा एविज पक्षी, एक हो जाएगा मैमल्स। तो अगर हम लोग बात करें, आप लोगों से पूछा गया है किसके बारे में, ये पूछा गया है एक तो एम्फीबियंस के बारे में और रेप्टाइल्स के बारे में। तो दोस्तों इनके जो हर्ट होते हैं, जैसे रेप्टाइल की बात करें, छिपकली की अगर हम लोग बात करें, तो इनके जो हर्ट होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, तीन चैम्बर होते हैं, कितने, थ्री चैम्बर हर्ट होता है। जबकि बात करें पक्षियों की और मैमल्स की तो इनके फोर चैम्बर होती है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का भी NTPC में पूछा गया था कि जो फिश होती है उनके हर्ट कितने चैम्बर होता है, तो टू चैम्बर उनका हर्ट होता है, ध्यान आप लोग रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों से किसका पूछा गया है, एम्फीबियंस का और रेप्टाइल्स का पूछा गया है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा थ्री चैम्बर हर्ट, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है मगरमच्छ के बच्चे को क्या बोला जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या बोला जाता है, तो देखिए बात करते हैं मगरमच्छ के बच्चे को, तो मगरमच्छ के बच्चे को दोस्तों क्या बोला जाता है, हैचलिंग कहा जाता है। अगर आप लोगों से बोला जाए कॉडलिंग क्या होता है, तो कॉडलिंग की अगर बात करें तो दोस्तों ये कीट के बच्चे होते हैं, है ना। और बात करें गॉसलिंग किसको बोला जाता है, तो गॉसलिंग जो होता है दोस्तों वो हंस के बच्चे होते हैं। और अगर बात करें फिंगरलिंग क्या होता है दोस्तों, ये छोटी मछली को या मछली के बच्चे को आप लोग बोल सकते हो। तो अभी आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया मगरमच्छ के बच्चे को पूछा गया है, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों हैचलिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले आगे, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन भी आपका इस बार के NTPC में आया है, और ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेज में कर चुके हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जो भी स्टूडेंट है 1 PM की क्लास मिस कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, तो ये क्लास मिस मत करा करो। जो भी अटेंड लेते हैं उनसे पूछो कितना सीखने को मिलता है, बताएंगे। तो अगर हम लोग बात करें पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों हमिंग बर्ड। ये कौन सा हो जाएगा, हमिंग बर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये जो हमिंग बर्ड होती है इसकी जो चोच होती है ना, चोच, इसकी चोच वो इसके शरीर से भी बड़ी होती है, इसके शरीर से भी बड़ी होती है, इसके शरीर से भी क्या होती है दोस्तों, बड़ी होती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट में।
आगे हम लोग बात करते हैं, आप लोगों से पूछा गया तो ये आई होप अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं करेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। तो जो फिशेज होती है उनका जो हर्ट होता है दोस्तों वो टू चैम्बर होता है भैया, टू तो हाँ ये रहना ऑप्शन में, तो टू आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी दो चैम्बर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सर फ्री क्लास कैसे ज्वाइन करें? यार इतनी बार मैंने बता दिया, क्लास के बाद में मैं आपको कमेंट लिंक भी दे देता हूँ, सीधे आप लोग उससे भी जुड़ सकते हो। और दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर मेरा नाम सर्च कर लो, नीरज जंगिड़। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी डालता हूँ क्लास से पहले वहाँ पर, तो वहाँ पर से भी आप जुड़ सकते हो। सारे ऑप्शन मैंने दे दिए आपको। 1 बजे क्लास कहाँ पर चलती है? अनअकैडमी पर चलती है। चलिए आंसर बताएंगे। ऑक्टेव्स के नियम में कहा गया है कि अगर रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर आप लोग व्यवस्थित करें तो प्रत्येक डैश तत्वों के अंतराल के बाद समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व आते हैं, क्या आंसर होगा? तो दोस्तों आप लोग कूदेंगे ऐसे कैसे, फिर से यार डायलॉग खराब कर दिया, चलो वापस करते हैं। तो दोस्तों आप करोगे ऐसे और एग्जामिनर करेगा ऐसे। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। वैसे मैं सही बताऊं कि यहाँ पर जो 8 ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिया हुआ था, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग गलती करते हैं, इसलिए मैंने चला के यहाँ पर 8 ऑप्शन लेकर आया हूँ। देखिए आप लोगों को पता है जब स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन हुआ तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग रूल बताए। तो दोस्तों जो ऑक्टेव का नियम था, यानी दोस्तों जो न्यूलैंड ने दिया जिसको हम लोग अष्टक नियम भी बोलते हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप लोग तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में या बढ़ते हुए परमाणु भार में सजाओगे तो सात, हर सात के बाद में जो आठवां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले की जैसी होगी। तो कितनों के बाद रिपीट हो रहे हैं दोस्तों? सात तत्वों के बाद में रिपीट हो रहे हैं। कितने के बाद में? सात तत्वों के बाद में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे मान लीजिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में बहुत सारे एलिमेंट है, उन सब की डिटेल मैंने एक एक कार्ड पे लिख दी कि इसका एटॉमिक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। अब मैं दोस्तों जैसे ही सजाता जा रहा हूँ ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो आठवां एलिमेंट आया मैंने देखा उसकी प्रॉपर्टी इसकी जैसी है तो मैंने उसको इसके नीचे रख दिया। तो कितने के बाद रिपीट हो रही है दोस्तों? सात के बाद हो रही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चले चलते हैं आगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सातवें के बाद में जो आठवां एलिमेंट आया वो इधर आया। तो रिपीट कितने के बाद में हो रही है दोस्तों? सात के बाद में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। बताएंगे एज एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रीली फॉल करो, दोस्तों फ्रीली फॉल करने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आप लोग जीरो वेलोसिटी से आप लोग इसको छोड़ रहे हो। किससे? बिल्कुल जीरो वेलोसिटी से। अगर आप लोग दोस्तों इसको किसी वेलोसिटी से फेंकते, जैसे ऐसे में दम लगा के फेंकता, तो फिर इसको मैं फ्रीली फॉल नहीं बोलता, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई नहीं बोलता। तो अगर आप लोग किसी भी वस्तु को फेंक रहे हो, फ्रीली फॉल करवा रहे हो, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया आपने, तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या थी, इसके पास में वेलोसिटी जीरो थी। क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? क्या गतिज ऊर्जा? दोस्तों गतिज ऊर्जा जीरो होगी, क्योंकि दोस्तों जब तक कोई गति ही नहीं थी, गतिज ऊर्जा कहाँ से आ जाएगी? और दोस्तों मान लीजिए ये आप लोगों की अर्थ है या जमीन है, यहाँ से एच हाइट पर क्या थी दोस्तों? ये वस्तु थी, तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये होगी आप लोगों, इसके पास में एम जी एच। लेकिन दोस्तों जैसे 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 नीचे आएगी, जैसे मान लो इस पॉइंट पर देखोगे तो अब जमीन से जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों? घट जाएगी, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। और आपको पता है टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड रहती है, संरक्षित रहती है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा में जो कमी आई वो कहाँ पर चली जाएगी दोस्तों? वो काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज कर जाएगी। तो पोटेंशियल, तो बताओ क्या होगा, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में होती जा रही है। और जब बिल्कुल नीचे आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, कौन सा एलिमेंट है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, बताएंगे। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, क्षारीय पृथ्वी धातु नहीं है, ये क्षारीय मृदा धातु आप लोग बोल सकते हो, बताओ कौन से नहीं है। चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए, तो देखते हैं कितने दोस्त इसका सही जवाब दे पाते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा, बताएंगे। ये आरुषि सिंह जी कमेंट कर रही है कामरान भैया ऐसे करके, अरे आयुष जी इधर जवाब दो आप, ये कामरान भैया आपको सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, चलो बताएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम। क्यों हो जाएगा, देखिए जो आप लोग की पीरियोडिक टेबल होती है इसमें टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, टोटल ग्रुप्स 18 होते हैं। पहले वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल यानी क्षार धातुए, और दोस्तों जो दूसरा वाला ग्रुप होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो आप लोगों को देखना है इनमें से कौन सा इस दूसरे वाले ग्रुप का सदस्य नहीं है। तो अगर बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम तो आपका यहां पर आता है, हली ना की रब से फरियाद, ठीक है। तो देखो ये के क्या होता है, पोटेशियम ये पहले ग्रुप में आता है, तो ये आप लोगों का अल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे हो सकता है। देखो इधर आओ, ये छुपके बैठा पोटेशियम, तो यहां पर पोटेशियम तो यहां पर बैठा है, जबकि बेरिलियम मैग्नीशियम आप लोगों का बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये सभी के सभी दोस्तों दूसरे ग्रुप में आते हैं, यानी ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्षारीय मृदा धातु है, जबकि पोटेशियम नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोस्तों यार सेशन को लाइक करके चलो यार, 4000 देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 2000 है, ऐसे कंजूसी क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, तो क्या हो जाएगा आयनिक बंध, क्या हो जाएगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बंध। तो बताएंगे आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है क्या, नहीं साझेदारी से तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, बॉन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम लोग बात करें मास ऑफ प्रोटोन और दोस्तों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके दोस्तों जो अनुपात होगा वो आपका हो जाएगा 1836, क्लियर, कितना हो जाएगा 1836 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे 1/1836 कहाँ से आ जाएगा यार, आप लोग ये तो जानते हो ना प्रोटोन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है, तो दोस्तों 1/1836 का मतलब तो ये है आपने इलेक्ट्रॉन वाले को ज़्यादा बना दिया, जबकि ज़्यादा क्या है प्रोटोन का है। तो अगर आप लोगों को इसका एग्जैक्ट डाटा भी नहीं पता कि अनुपात 1836 आएगा, फिर भी आप लोग कॉमन सेंस से कर सकते हो, दोस्तों जीरो आएगा नहीं, जीरो आने का मतलब है दोस्तों या तो प्रोटोन का द्रव्यमान जीरो हो या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अनंत हो। बात करें वन आने का मतलब है दोनों आपका सेम होना, ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को भारी कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है प्रोटॉन भारी होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो रक्त में एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस कौन सा होता है, मतलब हमारे ब्लड में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिससे इंटरनली ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, अंदर थक्का नहीं बनता, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों हिपेरिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा खोजा गया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा खोजा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है दोस्तों, ये आपके सेल का पार्ट है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसको हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है रेस्पिरेशन से आपको एनर्जी मिलती है श्वसन से, और रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। तो दोस्तों जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है
ठीक है, जिसको हम लोग वाईवी श्वसन बोलते हैं। इससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, कितनी मिलती है, 36 एटीपी। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में। वहां पर सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी मिलती है और यहां पर कितनी मिल रही है, 36 एटीपी मिल रही है। तो दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी करी हो किसने करी, रिचर्ड एल्टमैन, विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है। भूरा कोयला के रूप में किसको जाना जाता है, तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। देखिए, अभी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था एनटीपीसी में कि सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज कौन से कोयले में होता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा कि भूरा कोयला के नाम से किसको जाना जाता है, लिग्नाइट के नाम से जानते हैं। अब मैं आप लोगों को डिफरेंट कोयले के बारे में बताता हूं दोस्तों। एक होता है एंथ्रेसाइट, और सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज दोस्तों आप लोग देख सकते हो, 85-98% ये पाया जाता है एंथ्रेसाइट में। इसके बाद में दोस्तों बिटुमिनस है, इसके बाद में सब बिटुमिनस है, इसके बाद में लिग्नाइट है। लिग्नाइट में कार्बन का परसेंटेज 25-35% है, और इसे ही किस नाम से जानते हैं, भूरे कोयले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आज आपको कुछ बता देता हूं, होमवर्क देता हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। और दोस्तों कल सुबह 9:30 बजे ग्रुप डी के लिए मैं बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूं, क्योंकि 25 नंबर का सवाल है। एनटीपीसी तो हम लोगों ने इतनी पढ़ ली, और साथ में एनटीपीसी को भी लेके चलना है, आपको पता भी तो बहुत एग्जाम बाकी है, तो ग्रुप डी को भी हमको कवर करना है, क्योंकि दोस्तों 2 महीने बाद पेपर है और साइंस 25 नंबर की आएगी। और जब ग्रुप डी के क्वेश्चन देखोगे साइंस के, तो अच्छे अच्छे जो लोग हैं हिल जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल देखोगे आप पागल हो जाओगे, बोले सर ऐसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, है ना। न्यूमेरिकल वो वाला नहीं आता आपके ग्रुप डी में कि दोस्तों द्रव्यमान दे दिया 2 किलोग्राम, वेलोसिटी दे दी 4 मीटर पर सेकंड, चलो मुझे बताओ आपका संवेग कितना होगा, तो हर कोई आंसर बता रहा है दोस्तों मास इंटू वेलोसिटी 2 × 4 = 8 आंसर होगा, आप देखना मजा आएगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों इन बाकी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और तब तक के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, दोपहर 1 बजे वाली क्लास आप लोग किसी भी कंडीशन में मिस ना करें, ये वाली क्लास। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, आप लोग क्लास अटेंड करके तो देखो आपको मजा आएगा। डेली 1 PM पे होती है, आपको यहां पर रैंक भी मिलती है कि आप लोगों की क्या रैंक आई है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों के जो पेपर हो तो डेली 1 PM पे होता है। इसके लिए क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर दोस्तों मेरा नाम सर्च कर लो, नीरज जंगिट फॉलो कर लो, मैं आप लोगों को क्या इस क्लास के कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, तो जिससे सीधे भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेस के सेक्शन में होती है। अगर आप नए यूजर हो तो आपसे कोड पूछा जाता है, कोड आप लोग डाल दो नीरज 11 और आप लोग कर दो अनलॉक, आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। और दोस्तों आप लोग के सभी टॉप टीचर्स के टॉप बैच स्टार्ट हुए हैं, आप लोग एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 40,000 घंटे का दोस्तों रिकॉर्डेड कॉन्टेंट अवेलेबल है, मतलब CGL, CHSL, चाहे आप लोग इवन RRB की तैयारी कर रहे हो तो आपको GK वगैरह सारा पार्ट आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारे कोर्सेज आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, आज ही आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। SSC एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करें दोस्तों, 24 महीने का 7800 रुपये का है, रेफरल कोड में लगाओगे नीरज 11 तो ये आपका कितने का पड़ जाएगा, 7020 रुपये का पड़ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों दोपहर 1 बजे अन अकेडमी वाली क्लास पर, और सुबह 9:30 बजे आप लोगों के लिए धमाका मैं करूंगा ही, उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।